जिला परिषद कैडर के कर्मचारियों के पैन डाउन हड़ताल के दौरान वित्त आयोग अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती भी उनकी मांगों को सुनने और तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए बुधवार को खंड विकास कार्यालय ऊना पहुंचे। इस दौरान कर्मचारियों से उनकी मांगों के संबंध में विचार मंथन करने के बाद सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि इस मामले को लेकर पहले भी संबंधित मंत्री वीरेंद्र कंवर से वे मिल चुके हैं। वहीं वीरेंद्र कंवर ने भी इन कर्मचारियों की मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि इस मामले को लेकर जल्द ही प्रदेश सरकार के मुखिया जयराम ठाकुर से मुलाकात की जाएगी ताकि कर्मचारियों की लंबित चल रही मांग को समय रहते पूरा करवाया जाए। सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कर्मचारियों के अधिकांश मामलों को हल करने में सफलता हासिल की गई है। ऐसे में इन कर्मचारियों की विभाग में विलय करने की मांग भी जल्द पूरी की जाएगी। पूरे हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायत विभाग में दो तरह के सेक्टरी हैं और उन सेक्टरी कुछ सेक्टरीज ऐसे हैं जिनको हम लोग अभी तक गवर्नमेंट के कर्मचारी के नाते मान्यता नहीं मिली हुई है। कुछ सेक्टरी गवर्नमेंट के माने जाते हैं, कुछ सेक्टरी हमारे अलग से हैं। काफ़ी लंबे समय से बातचीत चल रही है। दो तीन बार मैं भी इनके साथ हमारे जिला के जो मंत्री हैं वरिंद्र कंवर जी जिनके पास भाग्य से डिपार्टमेंट भी यही है उनसे भी हम लोग मिले क्योंकि हमारे अपने मंत्री हैं तो उन्होंने भी आश्वासन दिया और मिले हम लोग के करवाते हैं। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी जो स्वयं में ग्राम पंचायतों के मंत्री रह चुके हैं पहले ही और उनके पास रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी रही है, ग्राम पंचायत विभाग भी रहा है। जयराम जी से भी हम लोग मिले, बीच में मेमोरेंडम भी दिए तो इन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम लोग करेंगे इसमें, लेकिन बीच में क्यों डिले हो रहा है उसमें तो दिक्कत रही होगी। तो अभी जो पेन डाउन स्ट्राइक है कुछ दिनों से चली है तो इनसे बातचीत करने के लिए और इनकी बातचीत को ऊपर पहुंचाने के लिए आज मैं भी इनके साथ आया था।